मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन के नए सवेरे के साथ मैं पूजा रावत फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू हो रहा है मंदिर से। तो हम अभी बच्चों को छोड़ के आए और हमने सोचा सुबह सुबह मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो ये मंदिर देखा हुआ है, जो मेरे से नए जुड़े हुए हैं उनको मैं ये मंदिर दिखाने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। और ये हमारा प्राचीन मंदिर है। तो आज भीड़ वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो अब कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि के टाइम पे ना यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ दर्शन करने को भी नहीं मिलता है। तो अभी के टाइम पे तो मतलब अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के टाइम पे बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो पाते हैं, पूरी लंबी लाइन लगी रहती है। आपको भी दिखाएंगे हम यहाँ शिवरात्रि के दिन आएंगे तो यहाँ कितनी भीड़ रहती है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे भी जितने सब्सक्राइबर हैं और मेरे से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब पे भगवान जी की कृपा बनी रहे। तो अभी आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं और हम लोग भी करते हैं, फिर चलते हैं घर को। हमने अभी तक आपको यहाँ के शॉर्ट्स दिखाए और उसके बाद अब हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग चलते हैं घर को। तो आपको मिलते हैं घर जाके ही। तो दोस्तों देखो गाड़ी आगे से जा रही है और भी हल्के हल्के जा रही है और ना मुझे पास दे रही है। दोस्तों घर पे और अभी तक मैंने आपको मंदिर के शॉर्ट्स वगैरह दिखाए, कैसे लगे आप लोग जरूर बताइएगा। तो अभी मैं नाश्ता लेके आ चुकी हूँ अपने लिए। नाश्ते में है आलू टमाटर की सब्जी और टमाटर की चटनी और रोटी, और इसके साथ ना मुफ्त में डांट भी मिली है मुझे। मम्मी बोल रही है वो उधर को चल देती है, तू उधर को चल देती है, घर का सारा काम मुझे करना पड़ा, ऐसा बोल रही है मम्मी। तो मम्मी लोगों ने नाश्ता वगैरह किया होगा, बर्तन वगैरह हो गए होंगे, तो मम्मी अंदर भी बर्तन थे कंडी में। मैंने सोचा मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी तो धो दूंगी, तो मम्मी ने धो दिए और मुझे सुबह सुबह खाने नाश्ते के साथ डांट भी फ्री में मिल रही है। मैं इतनी सारी चीज़ें खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय बाय, शाम को मिलेंगे, चीज़ लेके आना, चीज़ लेके आना। तो दोस्तों हमारा नाश्ता हो चुका है और बच्चों को भी नाश्ता करा दिया, उसके बाद हम लोग ना अभी खाली बैठे हैं। और मेरे साथ है ये देखो, ये एक ये बैठा है और एक यहाँ बैठा है, ये एक छोटा बंदर यहाँ पे बैठा है, हमारा शैतान बंदर है। और आज ना इनकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो इन लोगों की ना आज शिकायतें हुई हैं बहुत सारी। तो ये बताएगा आज दद्दा की क्या क्या शिकायतें हुई स्कूल में। आजकल दद्दा अच्छी राइटिंग नहीं बनाता, अच्छी राइटिंग नहीं बना रहा है। और क्या बोला दद्दा ने ना, चीएल में दद्दा अच्छे से नहीं बैठ लाता। अच्छा, और दद्दा की मैडम बोली थी दद्दा आजकल बहुत बहुत गंदा है, गंदा हो रहा है। और तेरे बारे में क्या बोली थी मैडम? गुड गुड बोली थी। क्या बोली थी? ईशु अच्छा बच्चा है। मीटिंग में गलत हो रहा था और सब में अच्छी लाइटिंग बनाता हूँ के बारे में तो इतनी सारी गलत बातें बता रही थी। बोल मैडम स्कूल में नहीं बैठता है, बोल लाइटिंग अच्छी नहीं बना ला, बोल। और इसकी शिकायत एक ही हो रही है, ये पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये रीडिंग अच्छी नहीं करता है, बोल। रीडिंग अच्छी नहीं करता है ना, हाँ थोड़ा सा तोतला है ना दोस्तों ये। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी रसोई में और रसोई में आके ना खाना बनाने का टाइम हो चुका है, तो 12:15 हो चुके हैं। खाना वगैरह बनाते हैं। आज का स्पेशल लंच है, पता क्या है? आज के दिन के स्पेशल लंच में ये बनने वाला है, यानी कि भटके डुबके। इसमें पीस दिया है मसाला, तो आज गर्मा गर्म भटके डुबके के साथ भात खाया जाएगा दिन में। तो हमारा आज का लंच बन चुका है और आज के लंच में हमारे बने हैं भटके डुबके, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये ना हल्के उबाल आ गए हैं और इनको मैं धीमी आंच में पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। तो भटके डुबकों को ना जितना ज़्यादा पकाओ उतना ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैं इसको ढक्कन रख देती हूँ और थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। खाना बना के ना हम लोग रूम पे आ चुके हैं और रूम पे आके ना आज भाभी अपने देवर के लिए गिफ्ट लेके आई है। दीदी लेके आई है जीन्स रावत जी के लिए। तो ये जीन्स ना मैंने मंगाई थी इनसे,
क्योंकि ना रावत जी के पास जीन्स थी वो एक खराब हो गई थी और एक ना हल्की सी यहाँ से उधड़ने लग गई थी, तो मैंने इस वजह से उनके लिए जीन्स मंगाई। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग दुकान गए थे मैं और काबी, हम लोग लेके आ रहे हैं मैक्रोनी। तो अभी शाम को नाश्ते में बच्चों के लिए बनेगी मैक्रोनी और मैं आपको ना एक लड़की से मिलवाती हूँ। इतनी लंबी लंबी चुटिया वाला कौन जा रहा है, दिखाओ इधर को दिखाओ, ये है निच काव्या। तो काबी के लिए ना आज एक टोपी आई हुई है और ये हमारे लिए, ये काबी के लिए भेजी है। हमारी एक वीडियो देखती है हमारी दीदी है प्रभा दीदी, और उन्होंने ये काबी के लिए मशीन में बुन के भेजी हुई है टोपी। और देखो कितनी प्यारी लग रही है टोपी, टोपी है और उसके नीचे को इतनी लंबी चुटिया। तो काबी के कितने लंबे बाल है देखो, तो कोई मत कहना कि काबी के सर में बाल नहीं है, काबी के सर में इतने प्यारे प्यारे बाल है देखो। तो ये टोपी ना काबी के लिए भेजी है प्रभा दीदी ने, यानी कि वो हमारी वीडियो देखती है और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने काबी के लिए भेजी हुई है टोपी। उन्होंने ना इसको मशीन में बुन के भेजा है और लंबी लंबी चुटिया टाइप की भी बनाई है और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और काबी भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तो एक बार वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी टोपी काबी के लिए बनाई। और इसी के साथ हम लोग भी सब्जी वगैरह की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे प्याज को भी महीन करके काट दिया इसमें और सब्जी वगैरह सब कट चुकी है, तो मैं जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो दोस्तों कल रावत जी ना सीजू के लिए ये लेके आए हैं, ये है डॉगी वाला कंघा। तो हम लोग ना नॉर्मल कंघे से कर रहे थे लेकिन उससे नहीं करना है, तो इससे इसके लिए ये लेके आए हैं। और ये बड़ा सही है, ऐसे ऐसे बाल बनाने हैं, उसके बाद इसको हल्का सा डीप करके इसको ऐसे करके इससे सारे बाल यहाँ के रस्ते निकल जाएंगे। तो ये बड़ा सही लगा मुझे और मैं सीजू के बाल बनाती हूँ। तो पहले तो ना आपको क्या करना है, ये डॉगी के बालों को ना उल्टा सुलटा ऐसे इससे ऐसे मतलब ऊपर नीचे बना लेना है, उसके बाद फिर एक शेप में ऐसे करके बनाना है। तो ऐसे बताया रावत जी ने, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। हाँ इसको ना बाल बनाने में देखो कितना अच्छा लग रहा है कभी उल्टा हो जा रहा है कभी सीधा हो जा रहा है। हाँ तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन में सबसे पहले बन रही है बच्चों के लिए मैक्रोनी, जो कि मैं शाम को लेके आई हुई थी। मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया इसमें और ये डाला मैंने टमाटर। तो दोस्तों मैक्रोनी खाने के बाद यहाँ पे हमारा खाना भी बन चुका है और आज खाने में है आलू और बीन की सब्जी जो कि बन चुकी है और साथ ही रोटी भी बना दी है, बच्चों को पढ़ा भी दिया है, सारा काम हो चुका है। तो अभी हम लोग का पेट तो वैसे भी भरा हुआ है क्योंकि शाम के टाइम मैक्रोनी बनाई थी मैंने और बच्चों ने भी खाई, साथ में हम लोगों ने भी खाई, तो अभी आधा पेट तो वैसे ही भरा हुआ है। इसी वजह से ना रोटी भी कम बनाई है हम लोगों ने, कोई बोल रहा है एक रोटी खाऊंगा, कोई बोल रहा है दो रोटी खाऊंगा, तो इसी वजह से हम लोग रोटियां भी कम बना रखी हैं। तो अभी खाना खाते हैं और हमारा किचन भी साफ हो चुका है। हाँ तो मानती को अच्छा मानती है, मेरा कहना मानती है। हाँ आप मानते मेरा कहना? मैं तो पापा का कहना मानता हूँ। हाँ वो तो मेरा भी कहना मानती है और पापा का कहना भी मानती है और साई का भी मानती है। छोटी सी थोड़ी ना कुछ होता है, कहना भी तो मानना चाहिए। मत कर क्योंकि इसको नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दक्षिणा हमेशा ऐसे ही बोलते रहता है, तुम काबी को अच्छा मानते हो मेरे को अच्छा नहीं मानते हो, लेकिन मैं उसको अच्छा मानती हूँ। मैं उससे ये बोलती हूँ ना दक्षु पहले कौन आया, पहले तू आया ना तो मम्मी तुझे अच्छा मानेगी ना, तो ऐसे करके हम उसको पटा लेती हूँ। पता क्या होता था जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग कभी सर में तौलिया लपेटते थे और चुन्नी बांधते थे, उसके बाद बालों को ऐसे आगे करते थे, तो सेम ऐसे वो भी कर रही है। तो हम लोगों ने ना खाना वगैरह खा लिया है, खाना वगैरह खाने के बाद अभी हम लोग सब लोग बैठे हैं और अभी हम लोग भी जाएंगे अपने रूम में सोने के लिए, उसके बाद दीदी लोग भी जाएंगे। तो अभी ना ये दूरबीन से देख रही है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं और भैया क्या कर रहे हैं। तो मम्मी पापा हैं उधर और भैया हैं इधर, तो ये ना दूरबीन से देखने में लगी है कि कौन क्या कर रहा है। दिख रहा है इसमें, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? अब घर इतना बड़ा है ना, अब यहाँ टेबल में बैठे देखो, मैं एक बार देखूंगी क्या कर रहे हैं मम्मी लोग। मम्मी लोग ना ओ वहाँ बैठे हैं, यहाँ से दिख भी नहीं रहा मुझे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मम्मी पापा से पता नहीं कुछ कह रही है, बड़ी वाली छोटी वाली पता नहीं क्या। प्रभाती एक मेले और एक कविता के लिए बना है ना यार, लंबी चुटिया वाली, हम कहीं जाएंगे तो जाएंगे हमारी धमेली। तो ये टोपी देख के ना मुझे एक चीज याद आ रही है, मैंने अपने भाई के लिए ना जब मैंने बिनाई सीखी थी जब मैं शादी से पहले, तो मैंने अपने दादा के लिए ना स्वेटर बिनी थी और सेम कलर है ये पर्पल कलर और व्हाइट कलर की, मैंने उसके लिए स्वेटर बुनी थी और वो अभी भी पहनता है। हाँ मैंने वो चलता है ना एक बार क्रेज कहते हो, शादी से पहले मैंने भी बुनी थी अपने पति मैंने तो अपने भाई के लिए बुनी थी और मेरा भाई अभी भी पहनता है, लगा लो मेरी शादी और मेरे पति की शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन मैंने सेम कलर की बिनी थी और आज प्रभा दीदी ने भी सेम कलर की बिन के भेजी है काफी के लिए, अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा लग रहा है।
तो दोस्तों ये बहुत बोलती है ये ना ब्लॉग में बहुत बड़ 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 करती है इसकी मुंह कल से ओ आ ओ आई ओ ओ करेगी ये बालू होंगी बेटा आराम से हाँ मुझे करने दो पूजा जितने भी दाढ़ी पूछो होंगी मेरी सब उजड़ी गई इसमें मतलब गाइड हो रहा था ये पता है ऐसा वो ये चर चर करने लगे मेरे तू कहाँ लगा ली बेटा मुंह अब तू भी बहुत बोलती है क्या तो दोस्तों मैंने लगा दिया इसके मुंह में टेप ये बोलेगी अब कर से धीरे 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 बोलना है मैं नहीं बोल रही मेरे ये सब ये मुछे उछे आई थी यहाँ पे सब ये चर 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 करने लग गए सॉरी मुछे नहीं कहते इसको क्या बोलते हैं एप्पल लिप्स अपर लिप्स मुझे बोल एप्पल लिप्स सेम वाला ये अभी वाला गाना गा रहे कौन सा गाना गा रहे पता है वाला जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या होगा किसने जाना दूरबीन से देखिए क्या होगा कल मेरी तरह देखो इसमें मुझे दिख रहा है मेरे पति ने फ्लैश चमका रखा है और मेरे मुंह में कैमरा लगा रखा है उस दूरबीन से ना अभी देख के मुझे एक चीज याद आ रही है मैं उन सभी महिलाओं को एक सुझाव देना चाहती हूँ जो जो मेरे ब्लॉग देखते हैं कि अपने पास दूरबीन रखना चाहिए अपने अपने पतियों पर नजर रखने के लिए सबके पास एक दूरबीन होना चाहिए है ना हाँ मैं भी एक सुझाव और हर पति को एक टेप रहना चाहिए बगल में जो बीबिया ज्यादा बोलती है चिपका देना बीबियों को दूरबीन रखना चाहिए और पतियों को टेप रखना चाहिए बस चिपका दो चाप दियो मुगला इश्क़ है यानी कि औरतों को दूरबीन रखना चाहिए और आदमी को टेप तो हमारा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और तब तक के लिए आप लोग भी दूरबीन और टेप का बंदोबस्त करके रखिए अपने पास तो मैं पूजा रावत मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।